शुरुआत कानपुर की एक बड़ी खबर के साथ इस वक्त हम कर रहे हैं। मंत्री राकेश सचान के कोर्ट से निकलने का ये पूरा मामला, जिसमें कोर्ट के पेशकार ने कार्रवाई की तहरीर दी है। तहरीर में कोर्ट के आदेश के बाद परिसर से फरार होने का जिक्र हुआ है। दोष सिद्ध होने के बाद मंत्री पर कोर्ट से फरार होने का आरोप लगा है। जांच के बाद इस पूरे मामले में अब कार्रवाई पुलिस कर रही है। आपको बता दें, मंत्री ने कोर्ट से भागने की खबर का खंडन किया था। कोर्ट ने 31 साल पुराने अवैध शस्त्र मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब मंत्री के खिलाफ कोर्ट में तहरीर दी गई है। हालांकि मंत्री ने कोर्ट से भागने का खंडन किया। 31 साल पुराना ये मामला, अवैध शस्त्र मामले में सुनवाई हो रही थी और कहा जा रहा है कि फैसला सुनाने के बाद मंत्री जो है वो कोर्ट से भाग गए। इस पूरे मामले को लेकर तहरीर जो है दी गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कोर्ट से निकलने के मामले में तहरीर दी गई है। हालांकि मंत्री ने इस बात से इनकार करा है। कोर्ट के पेशकार ने कार्रवाई के लिए तहरीर दी है। उन्होंने कहा है कि मंत्री यहां पर जब फैसला सुनाया गया उसके बाद फरार हो गए, कोर्ट से बाहर निकले, बहाना बनाकर उसके बाद गायब हो गए। दोष सिद्ध होने के बाद मंत्री पर कोर्ट से फरार होने का आरोप उन्होंने लगाया है। और यह भी बता दें आपको, जो पूरा मसला है वो 31 साल पुराना है। अवैध शस्त्र मामले में फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रखा था। से जो लेटर मिला है वो लेटर जो कोर्ट है उनके पेशकार की तरफ से दिया गया है, और उस लेटर में जो कंटेंट है उस कंटेंट को हमने देखा है। उसमें बताया गया है कि एक ऑर्डर था जिस ऑर्डर को वहाँ पे उस समय इशू किया गया था, और ये बताया है कि कुछ लोग वहाँ थे जो चले गए। तो इसके पूरा का पूरा जो सिचुएशन है, सरकम चांसेज है, वो अभी अंडर इंक्वायरी है, उसको हमें जमीन करना। कुछ वाद हमारे लंबे जिनमें कुछ जिरे वगैरह होनी है, जिरे की तारीख वारीख कुछ ले करके और आगे तिथि देने की बात उन्होंने की है, और कहीं कोई किसी तरह की भ्रामक बातें हैं जो भी चल रही है। और विद्यार्थी जीवन के हम लोगों के ऊपर उस समय संघर्ष के दौरान जो केस लगाए गए थे 90 से के दशक में, जब हम लोग विद्यार्थी राजनीति करते थे, वही कुछ मामले अदालत में लंबित हैं। और श्याम इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं कानपुर से। श्याम का हम रुख कर लेते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। श्याम, इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो पेशकार ने एफआईआर दर्ज करा दी है कि मंत्री जी कोर्ट से फरार हो गए। मंत्री जी कह रहे हैं वो कोर्ट से फरार नहीं हुए थे। पूरे मामले में क्या कुछ चल रहा है अभी? देखिए, आपको बता दें, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, कल कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ACMM कोर्ट में पेश हुए थे, और शस्त्र के मामले में दफा 25 के मामले में उनकी पेशी थी, और इस मामले में जो चार्जेस हैं वो फ्रेम होने थे। बताया जा रहा है कि जज ने चार्जेस फ्रेम कर दिए और कहा कि उसको जो लिखने के लिए वो अंदर चले गए, और इसी दौरान राकेश सचान वहां से मौके से फरार हो गए। ना केवल फरार हो गए बल्कि जो पत्रावली है कोर्ट की उसको भी लेकर के साथ में चले गए। लेकिन इसके बाद पूरा नाटकीय घटनाक्रम हुआ, और बताया ये गया कि राकेश सचान वहां से फरार नहीं हुए और उनकी तबीयत जो है वो अचानक से बिगड़ गई थी, जिसके कारण वो वहां से चले गए। और उनके वकीलों ने वहां पर एक लेटर दिया हाजिरी माफी का, और जिसमें बताया ये गया कि उनकी तबीयत खराब थी इस वजह से वहां पर चले गए। लेकिन शाम को बकायदा बैठक हुई कोर्ट में, जजों ने यह निर्णय लिया कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई जाए, जिसके बाद पेशकार ने कोतवाली में तहरीर दी है, जिसमें इस पूरी घटनाक्रम का जिक्र किया गया है कि किस तरीके से कोर्ट ने आदेशित किया था और चार्ज फ्रेम कर दिए थे, और चार्ज फ्रेम करने के बाद राकेश सचान वहां से फरार हो गए। उन्होंने पत्रावलियां वहां से ली और उसके बाद वो भाग निकले। इस कोर्ट कोतवाली में तहरीर दे दी गई है, और तहरीर देने के बाद आपको बता दें कि जो पुलिस है, पुलिस के अधिकारी हैं, वो मामले की जांच करके कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं, गोलमोल जवाब दे रहे हैं। क्योंकि एक तरफ मामला जहां कोर्ट से जुड़ा हुआ है, वही दूसरी तरफ भाजपा के नेता और कैबिनेट मंत्री का मामला, यही वजह है जो अधिकारी है फूक फूक के कदम रख रहे हैं। फिलहाल मामले में आपको बता दें एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, तहरीर दी गई है, और पुलिस मामले की जांच कर जल्द ही कार्रवाई नहीं हुआ है। बहुत शुक्रिया, आप नजर बना रखिएगा अभी के लिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट देने के लिए। शाम